मैं जो दूसरे कॉफी के ब्रांड्स हैं लोकल, उनको कहना चाहूंगी प्लीज कुछ फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस आई करें. स्वेयर. अच्छा मुझे ये बताएं रमशा, डू यू थिंक व्हेन यू गेट मैरिड आप अपनी अम्मी को सपोर्ट, अपनी बहन को सपोर्ट करेंगी? आपको लगता है या आपको बिल्कुल ये नहीं, बिल्कुल मेरा अभी यही गोल है. मैंने एक इंटरव्यू भी कहा था कि मुझे घर बनाना है अपनी अम्मी के लिए, अपनी अपनी बहन के लिए. तो अभी मेरा गोल यही है. आई एम सेविंग, आई एम नॉट प्लानिंग ऑन गेटिंग मैरिड बिकॉज आई फील लाइक कि नाउ इट्स 2020 एंड देर इज नो शेम यू नो इन गेटिंग मैरिड बाय द एज ऑफ 30. देर इज नो शेम. नहीं, यू शुड मैरी जब आप कंफर्टेबल हैं, जब आपको वो बंदा मिल जाए जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकें, मेंटल आप कंपैटिबिलिटी हो, दैट्स इट शुड नॉट बी कि मैं इतने की हो गई तो मुझे अब शादी करनी है. एंड जरूरी नहीं है कि जब मिले तो मतलब उससे पहले भी आपके जिंदगी में प्रायोरिटीज होनी चाहिए. जैसे मेरी प्रायोरिटी इज माई फैमिली राइट नाउ एंड टू यू नो उनको सिक्योर करना है बिफोर आई गेट मैरिड. सो मैं तो सबसे पहले अभी सेविंग कर रही हूँ एंड मुझे है कि इवन आफ्टर आई गेट देम अ हाउस आई मेक श्योर गेट देम अ कार. ये बस ख्याल ही पला हुआ है. सो स्वीट, सीरियसली. एंड देन इवन आफ्टर आफ्टर दैट बिकॉज आई नो माई मम शी इज आई थिंक जब तक मैं शादी करूँगी तब तक वो रिटायर हो चुकी होंगी. तो तब तक फिर मैं उनको इंशाल्लाह सपोर्ट किया करूँगी. आप सोचेंगी कि उनको अपने साथ ही रख लें? मैं कोशिश करूंगी बट आई एम श्योर वो नहीं करेंगे. वो कहेंगे भाई मुझे बस बोलती नहीं अम्मी को कि चेंज करें ना, हम लोग चेंज करेंगे फिर बाकी लोग भी चेंज करेंगे ये चीजें. बिकॉज़ शी इज अ सिंगल मदर यू नो, वो हर सिचुएशन जैसे अब आपकी ड्रामे में आपकी अम्मी ने यही बोला ना कि भाई हमारा क्या कसूर है. मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी रमशा. मैं शायद सोचती थी तो बोलती नहीं थी कि बाकी जिनकी बेटियां हैं खाली, भाई वो भी तो उतने पैसे लगा के पढ़ा रहे हैं जितना हाँ, बेटे पे लगाते हैं. ट्रू. बट उनके पास तो एंड में कोई नहीं है जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे. हाँ, बेटा तो आपको जॉब करके पाल रहा है, बहू भी आके खिदमत कर रही है. तो फिर वो क्यों उनको सजा मिलेगी क्योंकि उनकी बेटियां थी? या दैट्स ट्रू बिकॉज ये यही तो कि बेटियां पराई होती हैं. ये वाली चीज आई कम्प्लीटली अग्री बट इट्स जस्ट दैट मेरी अम्मी की नेचर ऐसी है कि वो जब घर आती हैं तो वो बस ऐसी होती हैं, उनके बस कमरे में उनको मोबाइल दे दो, मोबाइल पे अपना शो वो गेम्स वेम्स खेलेंगी. ये तो मुझे लग रहा है आजकल की जनरेशन की बात हो रही है. वो मेरी मम्मा ऐसी हैं, उन्होंने उनको पसंद आ गया. उनको रिसेंटली उन्होंने स्नैपचैट पे उन्होंने ट्राई किया तो अपनी सारी दोस्तों को फिल्टर लगा के फुल मॉम वाली सेल्फी नहीं होती जो बिल्कुल करीब से यूं करके फिल्टर लगा के अपने दोस्तों को भेज रही हैं. तो she's not really, you know, social bird नहीं है वो. तो उनका बस ये है कि भाई बस मुझे अपार्टमेंट में यू नो अलीशा मेरी छोटी बहन के साथ मैं रह लूंगी आराम से. That's it. And that's just how she. छोटी बहन नहीं कहती कि ये तो जो आप जो कैरेक्टर करी ये तो मेरा कैरेक्टर है, मैं ऐसी yes. मैं यही कहना ये चीजें कुछ जी. So मैंने पता नहीं आई डोंट नो अगर बहुत लोगों ने ये भी लिखा था किसी पीटी के सामने बदतमीज लगती है और शी इज कमिंग ऑफ एज बदतमीज. बट द थिंग इज दैट जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो आप नहीं देखते, आप लिहाज नहीं करते लोगों का. जिस सिचुएशन में सामने आती और जिस सिचुएशन में मैं उस वक्त मेंटली थी सामिया के लिए, मुझे लगा कि भाई मतलब बदतमीजी हो तो बदतमीजी हो. मतलब एक इंसान लिटरली उसके घर वाले उसको फोर्स कर रहे हैं कि यार अपने से डबल उम्र के इंसान के साथ हु इज ऑलरेडी मैरिड उससे शादी करो, हमारा फायदा है, हमारा घर चलेगा. जिसके रिसेंटली उसके कुछ ही टाइम पहले डिवोर्स हुई है बिकॉज हर एक्स हस्बैंड कन्फेस दैट ही चीटेड ऑन हर एंड यू नो उसने वो ज्वेलरी बेची है उस औरत के लिए. वो इतनी चीजें उसके ऊपर आई हुई है तो बंदा चिड़चिड़ा कैसे ना हो. नहीं हाँ. और मैं इस वजह से कह रही हूँ कि मेरी बहन भी ऐसे मुंहफट है एंड शी इज लाउड. मतलब जब वो बदतमीजी करती है तो खैर सामने तो फिर भी बहुत तमीजदार है, मेरी बहन ऊंची आवाज में बदतमीजी करती है. ऑपोजिट ऑफ यू रमशा है ना. टोटली मी एंड माई सिस्टर आर टोटली ऑपोजिट. मतलब कि मैं कहती हूँ कि वो सूरज है तो मैं चांद हूँ. मतलब कम्प्लीटली उससे चीजें उठाई थोड़ी बहुत. हाँ मतलब उस बदतमीजी का टोन उसकी तरह है बट आई गेस हम दोनों का एक जैसा है. बट नॉट रियली जस्ट द फैक्ट के मतलब लाइक आई सेड सामिया जब मैं प्ले कर रही थी तो वो एक अपना एक मेंटल स्टेट था मेरा कि यार ये सब चीजें हो रही हैं. मेरी बहन
उसके लिए कोई तोहफा लेके जाना पड़ेगा इतनी जो लोग होते हैं जो हार्डली आपको प्रेज करते हैं लेकिन जब प्रेज करते हैं तो वो एक्यूरेट होता है और वो जो दिल में होता है अब हालांकि उसको शी हैजंट मतलब अगर जैसे उसको लगता है कि ये चीज गलत हो रही है लेकिन उसको नहीं पता उसको डिटेल्स नहीं पता क्या पता वो चीज सही हो रही हो लेकिन वो बोल देगी कि आप गलत कर रहे हैं कैसे कर सकते हैं पर बाद में उसकी बिस्त हो जाती है कि नहीं ये सही हो रहा है तो वो चुप करके बैठी थी शी वोंट अपोलोजाइज शी इज वन ऑफ दोज. अच्छा सामिया के जो कैरेक्टर है ना मुझे लगता है कि वो जैसे आपने बोला कि वो थोड़ी सी मुंह फट भी है बड़ी कॉन्फिडेंट है और वो थोड़ी रिबेलियस भी है लेकिन हम कहीं भी सामिया को ना चीखते चिल्लाते और वो करते हुए नहीं देख रहे हैं तो ये क्या एक कॉन्शियस लाइक मुझे उसके गुस्से और उसके उसमें भी एक ठहराव लगता है तो क्या ये सोची समझी वो थी ये डेवलप करते हुए कैरेक्टर ये कॉन्शियसली आप लोगों ने किया था बिकॉज एज यू सेड सामिया बहुत बदतमीजी की तरफ जा सकती थी कि वो भी बहुत मतलब वो बोलती है अपनी एक सास के साथ भी वो बोल रही है लेकिन वो कहीं भी चीख नहीं रही उसने उनका बाल पकड़ के नहीं खींचे उसने उनको धक्का नहीं दिया जब तक उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ उसकी नन ने तो ये क्या कैरेक्टराइजेशन जो थी वो एक वो हो गई है या वो एक सोची समझी एफर्ट थी. नहीं ये हमारी सोची समझी एफर्ट थी बिकॉज ये जब भट्टी बाइक साहब डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने ये बोला था कि मैं ये कहीं भी लाउड नहीं होगी ये कहीं पे ये क्योंकि इसके डायलॉग्स ये ऐसे हैं कि वो जरा सरकास्टिक टच रखा हुआ है उसमें उसकी बदतमीजी में भी ये वो कुछ लॉजिकल बातें कर रही है which is sort of like me like you know agar koi mujhse aage se badtameezi kar raha tha to main unki baat ke logic dhoondti hu main kehti aur phir logically poochti aapne aisa kyun kaha aise kahan hota hai you know to ye humne socha samjha hua tha haan when she gets annoyed to she gets a little loud but we made sure that it's not annoying wo wala hai ki insaan bas karte ki thoda sa wahan par but yeah ye sochi samjhi bhi effort thi bas mujhe thode se wo thappadon ki samajh nahi aayi वो जो दो थप्पड़ पड़े अभी तक एक जो शुरू में रिस्को मारती पर दोबारा भी रिस बेचारी वहाज को दो दफा थप्पड़ पड़ गया. व्हाट वाज हिज रिएक्शन. देखिए आई नो विमेन हु हैव एक्चुअली स्लैप्ड देयर स्पाउस ठीक है एंड इट्स नॉट अब्यूज एज सच आई गेस इट इज अब्यूज बट दैट्स जस्ट हाउ जैसे कि सब आप ड्रामों में मर्दों को दिखा सकते हैं लड़कियों के अंदर भी तो हो सकता है. सामिया None of the characters in this drama are perfect. It's a satire play. Yeah. ठीक है in normal life में भी इंसान कोई evil या extremely angel नहीं होता. There always some middle ground. वो हमेशा या तो बहुत अगर अच्छे होंगे तो उनकी कोई बुरी साइड भी होगी. जो अच्छे होते हैं वो तो या तो gossip करते हैं मतलब ये होता है सबकी बुरी साइड होती है उसकी वो बुरी साइड थी. And plus I guess he was submissive. You know, हर रिलेशनशिप में एक सबमिसिव होता है और एक डोमिनेटिंग होता है. रिज वो सबमिसिव फिर उसके लिए मैं थप्पड़ बिकॉज हमारे ड्रामों में इतना ये मारधाड़ इतना स्पेशली हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें कि मे बी ये नहीं दिखानी चाहिए यू नो मतलब उसको धक्का दे देती उसको जोर से कॉलर पकड़ के वो कर लेती. वॉज देयर सर्टन मतलब क्या इन दो जो और स्पेशली जो फर्स्ट थप्पड़ था जो रेस्टोरेंट में था वो तो मुझे थोड़ा सा हम और ऑडियंसेस काफी को भी यही समझ नहीं आई कि भाई उधर सेकंड में तो एज अ बीवी फिर भी थोड़ा रिएक्ट करती है. पहले तो दे वर गोइंग आउट वो उसको थप्पड़ लगा देती है रेस्टोरेंट में बेचारा गिर जाता है तो वो उधर भी तो वो सिर्फ उस पर चीख सकती थी या चीखती नहीं तो जोर से बात कर सकती थी या वो कर सकती थी. लेकिन ये जो दिखाए तो क्या कोई खास मैसेज था जो सामिया के बारे में देना चाह रहे थे या एज यू सेड वो एक सटायर थी जो हम में से शायद किसी को समझ आई किसी को नहीं. See, the thing is that this is part of Samia. Okay. She is बदतमीज. वो आपको फर्स्ट एपिसोड से दिख रहा है. शी इज बदतमीज द वे जब उसको बुला के कहते हैं कि आप ये पास्ता है जिस तरह वो उसको जवाब देती है कि पास्ता ऐसे ही है उसके अंदर है. शी इज क्या कहते हैं उसको शी कैन इजीली गेट अग्रेसिव दिस इज पार्ट ऑफ हर पर्सनैलिटी. बट इसको इसके लिए फसी भाई बहुत इंटेलिजेंट राइटर है इसके लिए उन्होंने एक और सीन लिखा है जो आपको फ्यूचर एपिसोड में दिखेगा स्पेशली इन दो सीन्स के लिए. ओके ओके सो वो आगे वाले एपिसोड में देखा बट दिस वाज पार्ट ऑफ हर पर्सनालिटी बिकॉज घर पे यू नो शी इज वर्किंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ तो शी डजंट टेक डिसरिस्पेक्ट एट ऑल.
एंड पता है बिकॉज रिज उसका जो पहला प्यार होता है ना रावे, वो बहुत जज्बाती होता है राइट, तो उसका पहला प्यार रिज था. अब उसके लिए वो जज्बात में ये करती है, ये कर लिया उसने. वो और किसी को नहीं मारी, यू आर राइट. वो किसी, वो शायद रिस्क के साथ वो इतनी अटैचमेंट फील करती है कि उसके ऊपर हक जमा सके. बस ये होता है कि वो हम जरा थप्पड़ों के अगेंस्ट है सीरियल से. तो डू यू समटाइम्स क्वेश्चन, अगर स्क्रिप्ट में आता है थप्पड़ या वायलेंस ऐसा आता है तो डू यू क्वेश्चन, या आपको लगता है कि नहीं ये राइटर और डायरेक्टर बेहतर जानते हैं उन्होंने किया? आई डू, बट सम इफ इट मेक्स सेंस तो आई वुडंट हैव एनी प्रॉब्लम. जैसे रेस्टोरेंट वाला जो था, इट वाज़न्ट थप्पड़, इट वाज़ जस्ट, इट वाज़ वर्स केचप.